कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा एक बार फिर से कर्नाटका के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। शायद ये उनकी जिंदगी का आखिरी बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने का आखिरी मौका है। अगले 7 दिनों में बीजेपी नेता येदुरप्पा को बहुमत साबित करना होगा, मगर येदुरप्पा के लिए स्थिति उतनी आसान नहीं लग रही। दरअसल गुरुवार को ही स्पीकर रमेश कुमार ने 3 बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत आयोग घोषित कर दिया है। इसके अलावा 14 बागी विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। इस तरह असेंबली की स्ट्रेंथ अब भी 222 की बनी है। ऐसे में बहुमत साबित करने के लिए येदुरप्पा को 112 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा, जबकि उनके पास अभी 106 विधायकों का ही समर्थन है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अगर बागी विधायक बीजेपी में आना चाहें तो हम उनका स्वागत करते हैं। अब से थोड़ी देर के बाद में बीएस येदुरप्पा राजभवन में जाकर के शपथ बतौर मुख्यमंत्री तो लेंगे, मगर येदुरप्पा के लिए बहुमत साबित कर पाना 7 दिनों के भीतर क्या एक टेढ़ी खीर साबित होगा, इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन राघव के साथ जब्बार खान, R9 TV।